कायनात को सीखने के उसूल पक्के कर। मन जद्दा वजदा जो कोशिश करेगा पा जाएगा उसूल पक्के कर। मन अदरा का सियासत नफ्सी फकत अदरा का सियासत नास, जो नफ्स की सियासत को मास्टर कर गया वो लोगों की सियासत को भी मास्टर कर जाएगा। उसूल पक्के कर, क्योंकि जख्म ताजा है। जख्म की ताजगी की वजह से मुस्तकिल मिजाजी आएगी। जख्म के अंदर जो नमक छिड़का हुआ है उसकी वजह से तेरी टांगों में जान आएगी। जख्म के अंदर जो वो तकलीफ और कर्ब और गम और हुजन है उसकी वजह से तेरे अंदर इस्तकलाल आएगा और हिम्मत आएगी। जब तक वो जख्म जिंदा है उसके बीच में इल्म हासिल कर ले, उसके बीच में उस्तादों का लोटा उठा ले, उसके बीच के अंदर दुनिया के प्रोज एंड कॉन्स और फैसले समझ ले। फैसले क्या? जख्म जब ताजा होना बंद होगा उस वक्त तक प्रिंसिपल्स मजबूत कर ले। और जब प्रिंसिपल्स रासिख हो गए कल्ब के अंदर कि जो हल्का हुआ वो रह जाएगा, जिसने जान छोड़ी वो डूब जाएगा, जिसने मेहनत छोड़ी वो छूट जाएगा, जिसने रोज कतरा कतरा करके नहीं बनाया, अगर ये उसूल पक्के नहीं हुए तो आगे जाके नफ्स के पास ख्वाहिशात का बाजार होता है इंसान को बर्बाद करने। प्रिंसिपल्स मजबूत कर, प्रिंसिपल्स मजबूत हो जाएंगे तो जख्म चाहे ठंडा भी हो जाए प्रिंसिपल्स मोटिवेट करेंगे, प्रिंसिपल्स मोटिवेट करेंगे। अगर इफ यू आर नॉट गोइंग टू ईट समवन इज गोइंग टू ईट, अगर तू नहीं करेगा तो कोई कार्निवोरस तुझे खा जाएगा, अगर तू खाएगा नहीं तो कोई तुझे खा जाएगा आके। सो यू हैव टू लर्न टू सर्वाइव एंड थ्राइव एंड स्ट्राइव फॉर योर डेस्टिनीज। इसलिए आगे की शुरुआत वो जज्बात और जख्म दुख तकलीफों से होते, वो वैक्यूम से होते, आगे वो प्रिंसिपल्ड होते।